एक गांव को देश से जोड़ने वाली एक छोटी सी सड़क आखिर क्या कर सकती है? गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकती है, गांव के नौजवानों को रोजगार मुहैया करवा सकती है, गांव के बुजुर्गों को सही वक्त पर सही इलाज दे सकती है, गांव की महिलाओं को वो तमाम सुविधाएं दे सकती है जिनकी हर रोज घर संभालने के लिए उन्हें दरकार होती है। गांव तक बिजली पहुंचा सकती है, पानी पहुंचा सकती है, बेहतर सुविधाएं पहुंचा सकती है, एक गांव को शहर सा बना सकती है, एक गांव को आधुनिक दुनिया से जोड़ सकती है, एक सड़क पिछड़े से पिछड़े गांव को गुलशन कर सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गांव तक सड़क पहुंचाने की मुहिम में जी जान से जुटे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण का टारगेट भी सेट कर दिया है। तीसरे चरण में 125,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, जिस पर तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तीसरे चरण को 2024-25 में ही पूरा कर लिया जाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 20,000 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए 61,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी। हाल ही में विश्व बैंक ने भी मोदी सरकार की इस मुहिम की तारीफ करते हुए कहा था कि बेहतर सड़कों से भारत में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। वाकई आपके गांव को जोड़ने वाली एक सड़क आपके देश को दुनिया में अव्वल बना सकती है।